हेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू माय चैनल एलिट आर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए स्कूल के रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पेपर पेन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेन और वो भी पेपर से, और साथ में हम करेंगे उसे डेकोरेट भी। लास्ट वीडियो में हमने बनाया था बुक लेबल्स, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिए, और पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिफिल को लेकर हमें पेपर के कॉर्नर पर उसे इस तरह से रखकर मेजर कर लेना है। अब हम उस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और कॉर्नर पे हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। अब दोनों लाइन को हम कर देंगे कट। अब पेपर के कॉर्नर पर रिफिल को रख के हमें इस तरह से उसके पॉइंट को जो है वो बाहर रखते हुए फोल्ड करना है। अब हम ग्लू की मदद से उस रिफिल को स्टिक कर देंगे। पूरे पेपर को हमें ग्लू लगाते जाना है और रिफिल को रोल करते जाना है। और रोल हमें ज़रा टाइट करना है। फिर पेन को डेकोरेट करने के लिए मैंने पैटर्न पेपर लिया हुआ है। ये पैटर्न पेपर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब सेम उसी तरह से ग्लू लगाकर पूरे पेपर को हमें ग्लू से स्टिक करना है और टाइट रोल करते जाना है। बस अब यहाँ तक रोल हो चुका, अब हम उसे कट कर लेंगे और बाकी बचे जो कॉर्नर है उस पर भी हम ग्लू लगा के उसे स्टिक कर देंगे। हमारा पेन अब रेडी है। अब जो पेपर बचा था उसी पेपर को हम लेंगे और उसे थोड़ा कट करने के बाद पैटर्न पेपर को उसी साइज का कट करेंगे। अब दोनों पेपर को हम आपस में ग्लू से जॉइंट करेंगे। अब पेन को लेकर उसका मेजर करते हुए हमें उस पेपर को रोल करना है। पूरे पेपर पर ग्लू लगाते जाना है और रोल करते जाना है, और जो रोल है वो हमें थोड़ा टाइट करना है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए हमारा पेन बराबर रेडी है। अब एंड पार्ट पे हम हाफ बीट से उसे स्टिक कर देंगे। उसके बाद मैंने एक येलो कलर का थ्रेड लिया और उसके कॉर्नर पर हमें फेदर्स को टाई कर देना है। अब मैंने 3 स्मॉल व्हाइट बीट्स और 2 गोल्डन बीट्स को लिया है और हम उसको भी साथ में ऐड करेंगे। बस इसी तरह से हमें 3 फेदर्स को रेडी करना है। ये देखिए हमारे तीनों फेदर्स रेडी है। अब हमें थोड़ा बड़ा बीट्स लेना है और तीनों फेदर को हमें उसमें ऐड कर देना है, और कॉर्नर पे हमें उसको टाई कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे और
ये लीड के टॉप पर हमें उसे ग्लू से स्टिक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेन जो है वो अभी पूरी तरह से रेडी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।